प्रभात खनिज विभाग की करेंगे। आपको बता दें सवालों के घेरे में आ गया है खनिज विभाग। जी हां, आचार संहिता से पहले ही खदानों की बंदरबाट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 900 मिनटों में 1200 फाइलों की सुनवाई हुई है। अपने आप में काफी बड़ा ये आंकड़ा है, 900 मिनटों में 1200 फाइलों की सुनवाई। महज 43 सेकंड में हुई है एक फाइल पर सुनवाई। 150 खदानों का आवंटन होना है। मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ये सुनवाई की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हैं और आचार संहिता लागू होने से पहले ही बंदरबाट कर दी गई है। प्रमुख सचिव अजातशत्रु भी यहां पर शामिल थे, साथ ही साथ अपर सचिव एस के शिवानी भी ने भी सुनवाई में शामिल रही हैं। 3500 हेक्टेयर वन राजस्व भूमि लीज पर देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हजारों करोड़ों की ये खदानें हैं। भाजपा और कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदारों की खदानें हैं, निजी कंपनियों की भी ये खदानें बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि भास्कर, जागरण, सांध्य प्रकाश, राज व बंसल ग्रुप की भी खदानें इन में शामिल हैं। भाजपा नेता सुधीर शर्मा की भी खदान बताई जा रही है। एक साल का काम बाबुओं ने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में निपटा दिया है। 20 और 27 अगस्त और 3 सितंबर को ये सुनवाई हुई है। तो आपको बता दें बड़ा खुलासा ये इस वक्त हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही बंदरबाट की गई है। खनिज विभाग का एक और बड़ा और काला कारनामा सामने आ गया है। महज 3 दिन में 900 मिनटों में बताया जा रहा है कि ये जो पूरी खदानों की बंदरबाट हुई है, 43 सेकंड में एक फाइल देखी गई है। बड़ा खुलासा इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आपको बता दें खनिज विभाग का एक और कारनामा सामने आया है, खदानों की बंदरबाट हुई है। बड़े खुलासे की हम बात कर रहे हैं। ईटीवी की जांच में मध्य प्रदेश के खनिज विभाग का हजारों करोड़ों का गोरख धंधा सामने आ गया है। खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल खुद सवालों के घेरे में है। मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कमाल कर दिखाया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से एन वक्त पहले मात्र 900 मिनट में 1200 खदानों की सुनवाई कर दी गई, यानी कि हर 43 सेकंड में करोड़ों रुपए की एक खदान की सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि खनिज विभाग को 150 खदानों का आवंटन करना है। 3500 हेक्टेयर की ये खदानें हैं जिनकी कीमत हजारों करोड़ों रुपए की है। कई भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों के नाम भी इन खदानों की फाइलों में हैं। खदानों के इस गोरख धंधे में कई निजी कंपनियां भी शामिल हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि भास्कर, जागरण, सांध्य प्रकाश, बंसल और राज ग्रुप की खदानों की भी सुनवाई हुई है। इसके अलावा भाजपा नेता और खनिज कारोबारी सुधीर शर्मा की भी खदानें हैं। ये खदानें आयरन और मैगजीन, बॉक्साइट और लैटेराइट की हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बाबुओं ने सिर्फ एक साल का जो ये पूरा काम था वो महज 900 मिनटों में निपटा दिया है। एक साल का काम 900 मिनट में बाबुओं के द्वारा पूरा किया गया है, और ये वही बाबू हैं जिनके पास कोई भी फाइल जो है वो काफी समय तक पड़ी रहती है, लेकिन वक्त उनके पास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आज कमाल कर दिखाया गया इन बाबुओं के द्वारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक फाइल पर 43 सेकंड वक्त उन्होंने खर्च किया है। खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल 3 दिन में सालों से लंबित 1200 फाइलों पर सुनवाई की गई है, जिसके चलते खनिज विभाग एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। इस सुनवाई के जरिए मध्य प्रदेश सरकार ने 3500 हेक्टेयर की वन और राजस्व भूमि खदान कारोबारियों को बांटने की तैयारी कर ली है। इस सुनवाई में प्रमुख सचिव अजातशत्रु, श्रीवास्तव, अपर सचिव एस के शिवानी भी शामिल थी। इससे साफ है कि खदानों की इस बंदरबाट की तैयारी में नेताओं से लेकर अफसर तक शामिल हैं। तो बड़ा खुलासा इस वक्त आप ईटीवी पर देख सकते हैं। खनिज विभाग का एक और काला कारनामा सामने आया है, खदानों की बंदरबाट। और सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात ये कि आचार संहिता लागू होने से एन वक्त पहले ये काला कारनामा कर दिखाया गया है। 150 खदानों का आवंटन होना है। आपको बता दें कि कई सारे जो निजी समूह हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और ना केवल भाजपा
ना केवल सत्तारूढ़ पार्टी, कांग्रेस से जुड़े जो नेता हैं उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। साफ पता चलता है इस बंदरबांट से कि ना केवल मंत्री, जो अफसर शाह हैं, जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी इस बंदरबांट में शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा आरोप कर रहे हैं भोपाल का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रवीण। प्रवीण, खनिज विभाग कई बार पहले भी सवालों के घेरे में रहा है और एक बार फिर से ये बंदरबांट जो है वो सामने आई है। टीवी पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं किस तरह खनिज विभाग में ये बंदरबांट हुई है। राजीव, बताना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश में खदानों के हजारों करोड़ कि घोटाले का मामला है और ये पूरा मामला जो है ईटीवी ने इसका खुलासा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर तीन दिन के भीतर 20 अगस्त, 27 अगस्त और 30 सितंबर को मात्र पाँच घंटे के दरमियान तीन बैठक हुई और 15 घंटे में इन्होंने 900 मिनट में 1200 फाइलों का निपटारा कर दिया, जिसमें 150 खदानों का आवंटन होना है और ये पूरा खुलासा ईटीवी ने किया है और आज ये मामला ईटीवी के माध्यम से सामने आया है। इस बारे में पूरी डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है हमारे चैनल एड राहुल सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, ये क्या है सर, ये पूरा मामला खदानों का? सर, ये देखिए प्रवीण, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ईटीवी के पास वो तमाम कागजात मौजूद हैं, ये कागजात हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को भी। ये कागजात है सुनवाई के और उस कागजात से खास तौर से खुलासा ये हुआ है प्रवीण की जिस तरह से पूरा ये मामला सामने आया है, ये कागज़ भी ईटीवी के पास मौजूद है जो खनिज विभाग ने सुनवाई की है। और आपको जान के हैरानी होगी प्रवीण, और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी हैरानी होगी कि मात्र पंद्रह घंटे में, 900 मिनटों में, 43 सेकंड में एक सुनवाई, एक खदान के आवेदन के एक मामले की सुनवाई। आमतौर पे सरकारी डिपार्टमेंट जो होता है बड़ा बदनाम होता है, वहाँ फाइलें जो हैं दम तोड़ देती हैं, रेंगती है, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले, चुनाव की आचार संहिता लगने वाली उससे पहले ऐसी तेज़ी दिखाई है खदान विभाग के, खनिज विभाग के अधिकारियों ने कि 43 सेकंड में सुनवाई कर दी, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रवीण। सर, ये पिछले तीन और चार साल से मामले लंबित थे, पूरे चार साल से मामले लंबित थे और अचानक ऐसी क्या मजबूरी रही सरकार की कि सरकार को ये तीन दिन के अंदर मामले निपटाने पड़ रहे हैं? सर, देखिए प्रवीण, अगर आप देखें जो आवेदन, जिन लोगों ने आवेदन किया है खनिज में, विभाग में, तो उसे साफ तौर से जाहिर है कि बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े ग्रुप सामने हैं। भास्कर ग्रुप का नाम सामने है, सांत प्रकाश ग्रुप का नाम सामने है, इसके अलावा भाजपा के नेता सामने हैं, उनके रिश्तेदारों की खदानें, इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों की खदानें, कहीं ना कहीं काफ़ी दबाव है। जो फाइलें सालों से लंबित थी, 1200 आवेदक थे वहाँ पे, 150 खदानों का आवेदन होना था और ये पूरे आवेदन की प्रक्रिया कई सालों से लंबी थी और इन चुनाव से पहले, जबकि 18-20 दिन का समय बचा आचार संहिता लगने में, उससे पहले खनिज विभाग ने ऐसी तेज़ी दिखाई है और खासतौर से हमारे खनिज मंत्री जो है राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने ऐसी तेज़ी दिखाई कि 43 सेकंड में एक खदान के आवेदन की सुनवाई उन्होंने मात्र 43 सेकंड में कर दी, जो कि हो ही नहीं सकता। इससे साफ जाहिर है कि ये पूरे जो प्रक्रिया है कागज़ों पर चली है, फर्जीवाड़ा है, एक तरह से कहे तो बंदरबांट, खदानों की बंदरबांट की तैयारी सरकार ने करके रखी हुई है। और ये खुलासा लेकिन ईटीवी पर आप सबसे पहले देख सकते हैं, ईटीवी के पास ही एक्सक्लूसिव खबर है, हमें सबसे पहले ये खबर सामने आई थी, हमारे पास तमाम कागजात भी मौजूद है, हम दर्शकों को वो कागजात भी दिखाना चाहेंगे। ये वो कागज़ हैं, सुनवाई के कागज़ हैं, इसमें देख सकते हैं कि मैसेज राज मिनरल्स का नाम है, जो कि एक मीडिया ग्रुप है, यहाँ पे राज न्यूज़ पेपर चलाते हैं, इसके अलावा कई लोगों के नाम है, सूरज बंसल के नाम है, कई बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनके नाम है, भरत पटेल का नाम है, जो कि सांध्य प्रकाश न्यूज़ पेपर है, सांध्य प्रकाश न्यूज़ पेपर के मालिक हैं। जाहिर से तौर पे बड़े बड़े लोगों के नाम है, रसूखदार लोगों के नाम है और उस वजह से ये पूरी जो कार्रवाई है वो हुई है, ये तेजी इसी वजह से दिख रही है प्रवीण। सुधीर शर्मा जो खदान कारोबारी हैं, बड़े भाजपा के नेता भी कहे जाते हैं और सुधीर शर्मा का ये नाम आ रहा है इसमें, सुधीर शर्मा का ये सर क्या, इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, सुधीर शर्मा जो है भाजपा के काफ़ी करीबी रहे हैं और एक तरह से कहे तो अभी हाल में ही उन पर इनकम टैक्स रेड हुई थी, इनकम टैक्स रेड के दौरान भी उन पर भाजपा का जो पूरा चुनाव अभियान था, पिछले साल जो चुनाव अभियान था उसको, उसकी फंडिंग का भी आरोप सामने लगा था। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने दस्तावेज के जरिए उन पर ये आरोप लगाया था। इसके अलावा 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपये की अवैध माइनिंग का आरोप उनके ऊपर है। ज़ाहिर तौर पर सत्ता के काफ़ी करीबी माने जाते हैं सुधीर शर्मा, उनका भी नाम है, उन्होंने भी आवेदन किया हुआ है खदानों के लिए। सर, भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम सामने आ रहा है और भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के रिश्तेदारों का भी नाम सामने आ रहा है, तो पार्टी क्या चुनाव से पहले अपने लोगों को लाभ देना चाहती है, कांग्रेस के कुछ लोगों को लाभ देना चाहती है, ऐसी भी कोई तैयारी है क्या इस मामले को लेकर? देखिए, ये सिर्फ भाजपा का नाम
तो नहीं, कांग्रेस का जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों के नाम भी सामने हैं और ये खुलासा भी हम जल्दी करेंगे ईटीवी पर, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके नाम हैं इसमें, भाजपा के कौन से वो नेता है जिनके नाम शामिल है इसमें, कांग्रेस के वो कौन से नेता है जिनके रिश्तेदारों के नाम शामिल है, वो खुलासा भी हम ईटीवी पर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो खदानों का मामला है, खदान व्यवसाय से भाजपा भी जुड़ी हुई है और कांग्रेस भी जुड़ी हुई है, जाहिर से तौर पे पैसा बोलता है, इस विभाग में पैसा बोलता है, फाइलों के ऊपर अगर वजन रखा जाता है तो ही फाइल आगे बढ़ती हो। लेकिन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, 43 सेकंड में फाइल आगे बढ़ जाए तो ये चौंकाने वाली बात है प्रवीण। सर, ईटीवी ने आज इतना बड़ा खुलासा किया है और ईटीवी के मामले माध्यम से ये मामला सामने आया, तो लगता है कि अब आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। देखिए, जाहिर तौर पर अगर ईटीवी ने खुलासा किया है चूँकि चुनावी माहौल है, हो सकता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाए, लेकिन हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मामला जाहिर तौर पे अपने आप में मामला जो है, अगर आप देखें तो कागजी कार्रवाई हुई है खदानों के आवंटन को लेकर के, 43 सेकंड में एक फाइल को निपटाया गया, इस तरह से 1200 आवेदन मंत्री जी ने मात्र 3 दिन के अंदर सुन लिए जो कि 1 साल से लंबित थे, 1 साल से सुनवाई नहीं हो रही थी, और कायदे से अगर सुनवाई होती तो 1 साल का समय लगता। लेकिन जाहिर तौर पर दबाव था, मंत्री जी पर दबाव है कि चुनाव आचार संहिता लगने वाली, हो सकता है सरकार आए ना आए, ये भी एक कहीं ना कहीं डर रहता है, इसी वजह से जो है सरकार जो है इस तरह के फैसले लेती है, और शायद मंत्री जी भी जाहिर तौर पर मंत्री जी काफ़ी दबाव में, नहीं तो इस तरह का फैसला नहीं होता प्रवीण। तो सर, ये किस प्रकार का दबाव है, आप बोल रहे हैं मंत्री जी दबाव में, तो किस प्रकार का दबाव है ये, चूंकि वन जो खनिज मंत्री हैं उनको 900 मिनट के अंदर 1200 फाइल निपटाना पड़ी, 43 सेकंड में एक फाइल पर विचार किया गया, तो किस प्रकार का दबाव है? देखिए, दबाव जाहिर तौर पर चुनाव का है, आचार संहिता लगने वाली, आचार संहिता के बाद मंत्री जी सुनवाई नहीं कर सकते हैं, उंगलियां उठेंगी, चुनाव आयोग की कड़ी नज़र रहेगी और उससे पहले वो मामले की सुनवाई करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त प्रवीण ये है कि 150 खदानें हैं, 1200 आवेदक हैं, एप्लीकेंट्स हैं, जाहिर तौर पे सिर्फ 150 खदानों का आवंटन होना है, लेकिन 150 खदानें, मात्र 18 दिन का समय बचा है। क्या सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्या ये सरकार, क्या खनिज मंत्री हमारे जो हैं राजेंद्र शुक्ल, क्या 150 खदानों का आवंटन मात्र 18-20 दिन में कर पाएंगे? जाहिर तौर पर नहीं कर पाएंगे, मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि मुश्किल उनके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि वो 43 सेकंड में अगर एक खदान की सुनवाई कर सकते हैं तो ये भी मुश्किल काम नहीं उनके लिए, हो सकता है वो ये भी काम करके दिखा दें। सर, तो इतना बड़ा मामला जो ईटीवी खुलासा कर रहा है कि 1200 आवेदन मात्र 3 दिन में निपटा दिए गए, तो सर ऐसा नहीं इसमें कोई बड़े खदान माफिया लोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, सरकार के साथ मिले हो सकते हैं? देखिए, खदान खनिज व्यवसाय की बात करें तो जो माफिया है वो तो हर जगह रहता ही है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे उनका एक नेटवर्क रहता है, कॉकस रहता है, वो तो जाहिर तौर पे उनका एक अलग नेटवर्क रहता है, वो भी शामिल होंगे। लेकिन बड़े ग्रुप सामने हैं, आप बात करें भास्कर ग्रुप की, भास्कर ग्रुप का नाम सामने आया है, शांत प्रकाश ग्रुप का नाम सामने आया है, राज ग्रुप का नाम सामने आया है, इसके अलावा कई लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, पॉलिटिशियंस की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं, तो जाहिर तौर पे दबाव जो है इन लोगों का भी दबाव रहा होगा प्रवीण। सर, मामला जो ईटीवी खुलासा कर रहा है, हजारों करोड़ों का मामला है, 150 खदानें हैं, 1200 आवेदन है, और इतना बड़ा जो इसके पीछे कोई ब्लैक मनी भी हो सकती है, अवैध रूप से चुनाव की फंडिंग भी हो सकती है, तमाम प्रकार के कई खुलासे हो सकते हैं। जो भी है, आज ईटीवी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार 1200 आवेदनों को 3 दिन में सुनवाई करती है, खदानों के सारे मामले हैं और जिनमें एक मामला मात्र 43 सेकंड में निपटा लिया जाता है, तो ये पूरा सवाल जांच के घेरे में है। बिल्कुल प्रवीण, जांच के घेरे में, और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह चुनाव होने, आचार संहिता लागू होनी है, उससे पहले ये सब निपटारा किया गया। जिस तरह आपने बताया, ना केवल भाजपा कांग्रेस से जुड़े हुए भी कई सारे लोग हैं जिनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, तो ये राहुल सिंह के द्वारा कहा गया कि हाँ, इसके ऊपर चुनाव या राजनीति नहीं की जा सकती, लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बना सकती है, क्या वाकई में ये आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा बनकर आइए अब इसमें और ज्यादा बात करते हैं हमारे चैनल हेड राहुल सिंह जी से। सर, ये क्या है पूरा मामला, एक बार फिर बताएंगे सर, ये ईटीवी जो खुलासा कर रहा है क्या है? देखिए, मामला महज इतना है कि 1200 एप्लीकेंट्स थे, 150 खदानों का आवंटन होना था, और ये खदानें जो हैं आयरन ओर की खदानें हैं, मैग्नीज की खदानें हैं, बॉक्साइट की खदानें हैं, लेटराइट की खदानें हैं, करोड़ों अरबों रुपये की खदानें हैं, और 1 साल से लंबित प्रकरण थे, सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन मंत्री जी जो हमारे खनिज मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने कुछ ऐसी तेज़ी दिखाई, कुछ ऐसा कमाल हो गया उनके साथ कि उन्होंने मात्र 43 सेकंड में एक एक मामले की सुनवाई कर दी। इस तरह से उन्होंने करीब 1200 एप्लीकेंट्स थे वो 900 मिनटों में निपटा दिए, मात्र 15 घंटे के अंदर उन्होंने ये पूरी सुनवाई कर दी। और ये जो तेज़ी है, ये जाहिर सी बात है, ये कोई कर नहीं सकता है, असंभव है प्रवीण, ये मतलब ये हो ही नहीं सकता है कि 43 सेकंड में सुनवाई नहीं कर सकते। ये जो खनिज मंत्री हैं वो 43 सेकंड में बाइट भी नहीं दे सकते चैनल को, तो ये सुनवाई कैसे करेंगे? 43 सेकंड में उन्होंने एक खदान की सुनवाई कर दी, इस तरह से 1200 एप्लीकेंट्स की सुनवाई कर दी,
जाहिर तौर पे मामला पूरा कागजों पर है, कागजों पे सुनवाई हुई है और बंदरबाड़ जो है खदानों की उसकी तैयारी कहीं ना कहीं सरकार ने करके रखी हुई है। और क्योंकि उसमें काफ़ी रसूखदार लोग हैं, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, भास्कर ग्रुप का नाम है, इसके अलावा सांध प्रकाश जो न्यूज़पेपर चलाते हैं यहाँ पर उनका नाम है, भरत पटेल उनका नाम सामने आया है, इसके अलावा राज जो ग्रुप है जो कि राज न्यूज़पेपर चलाते हैं उनका नाम सामने आया है, इसके अलावा बात करें तो कई जो बड़े बड़े रसूखदार ठेकेदार हैं उनका नाम सामने आया है। और इसमें जो सर 1200 आवेदन है और खदान 150 लोगों को दी जाना है, तो सर इसमें ऐसा तो नहीं कि अभी ये पूरी प्रक्रिया करके केवल 150 ऐसे खास चुनिंदा लोग हैं जिनको लाभान्वित कर रही है सरकार और अपने लोगों भी शामिल हैं, मीडिया के भी कई आप बता रहे हैं जो लोग शामिल हैं, तो ऐसे कुल 150 लोगों को चुनिंदा करके 18 दिन में एक बहुत बड़े लाभ दे दिया जाएगा? बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि जिस तरह से जो तेज़ी दिखाई है खनिज विभाग ने, मंत्री ने तेज़ी दिखाई है, मंत्री राजेंद्र शुक्ल खुद मौजूद थे पूरी सुनवाई में, उन्होंने सुनवाई की है। इसके अलावा आपके पास जानकारी होगी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस वक्त और कौन से वो लोग मौजूद थे सुनवाई में, वो कौन लोग मौजूद थे जिन्होंने वो सुनवाई की थी और उस वक्त जो थे किस तरह से सुनवाई हो रही थी ये, क्योंकि प्रवीण आप वहाँ मौके पे मौजूद थे, आप तीन दिन ये सुनवाई चली थी, आप खनिज विभाग के बाहर आप मौजूद थे, किस तरह की सुनवाई और कौन लोग मौजूद थे? सर ये मुख्यमंत्री कार्यालय के जो सचिव हैं अजातशत्रु श्रीवास्तव और जो खनिज विभाग के भी मुख्य प्रमुख सचिव हैं ये रहे हैं और NK शिवानी जो अपर सचिव हैं ये रहे हैं और मंत्री के साथ में ये दोनों प्रमुख अधिकारी इन तीनों दिन 20 अगस्त को सुनवाई हुई, 27 अगस्त को सुनवाई हुई और उसके बाद 3 सितंबर को सुनवाई हुई। तीनों दिन जो मीटिंग हुई 11 बजे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक मीटिंग चली, इस मीटिंग में इन तीनों अधिकारियों के अलावा जो खनिज विभाग के जो मुख्य अधिकारी हैं और जिन जिन जिलों की ये खदानें दी जाना है उन जिलों के जो अधिकारी थे सारे अधिकारी इनमें शामिल रहे और 11 बजे से 5 बजे तक इन नामों पर विचार चला और 1200 नामों की स्क्रूटनी की गई। अब उसमें से 18 दिन मैच शेष हैं और 150 खदानें हैं जो 1200 में से 150 बांटी जाना है जी। तो जाहिर तौर पर ये जो आपने जो जानकारी बताई है तो उससे कहीं ना कहीं विभाग जो है जो मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल वो सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि कागजों पे कार्रवाई हुई है, कागजों पे ये पूरी सुनवाई हुई है, ये संभव ही नहीं है कि 43 सेकंड में, जैसा आप बता रहे थे कि 43 सेकंड में सुनवाई हुई है, एक आवेदक की सुनवाई जो है मात्र 43 सेकंड में की गई है, वो संभव नहीं है। तो कागजों पे कार्रवाई करने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं इसको 18 दिन का समय जो बचा हुआ आचार संहिता लगने में उससे पहले जो है आवंटन की प्रक्रिया को निपटा दिया जाए, 150 खदानों की जो बंदरबाट होनी है उसको बंदरबाट को कर दिया जाए। लेकिन चूंकि अब मामला सामने आ गया है, अब पता नहीं सरकार इसमें अभी भी सरकारी कमाल करके दिखाती है या नहीं दिखाती, क्योंकि एक कमाल तो खनिज विभाग के मंत्री जो है राजेंद्र शुक्ल उन्होंने करके दिखा दिया है, उन्होंने 43 सेकंड में एक फाइल की सुनवाई, एक आवेदन की सुनवाई तो कर दी है। अब ये देखना है कि क्या वो दूसरा कमाल करके दिखाते हैं, मात्र 18 दिन के अंदर क्या वो 150 खदानों का आवंटन भी कर देंगे? प्रवीण सबसे बड़ा सवाल यही है। प्रवीण बिल्कुल 18 दिनों में 150 खदानों का क्या आवंटन हो पाएगा, बड़ा खुलासा इस वक्त आप ईटीवी पर देख रहे हैं। किस तरह खनिज विभाग में एक और धांधली सामने आई है और खनिज मंत्री खुद घिरते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में खुद खनिज मंत्री जो है वो सामने आए और सफाई अपनी पेश करें, क्योंकि काफी मलाईदार विभाग माना जाता है खनिज विभाग और कई सारे मामले जो है वो पहले भी सामने आ चुके हैं और अब आचार संहिता लागू होने से ऐन वक्त पहले ये बड़ा कारनामा कर दिखाया है खनिज विभाग ने। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।